गीत नहीं गाता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म है, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मिट नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फान, मुक्ता के क्षण में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। क्या बात है, ये जो अटल गीत है, ये हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर एंड अ प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया एवर हैड, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका है। जबरदस्त कवि, बेहतरीन वक्ता, ऐसे इंसान जिसने पूरे के पूरे देश को बनाया, और सबसे बड़ी बात ये कैसे लीडर थे, लीडर ऑफ द लीडर्स थे ये, जिन्होंने सबको साथ लेके चलना सिखाया। कोलिशन गवर्नमेंट का दौर, जिस समय भयंकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, 13 पार्टीज को लेके साथ में चले और बहुत ही सकुशल अपना कार्यकाल पूरा किया। कारगिल वॉर को जीता, न्यूक्लियर टेस्ट करवाए, परमाणु मूवी देखी कि नहीं, पूरी की पूरा जो उस समय न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस पे बेस्ड है द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। और सबसे बड़ी बात, उस समय अमेरिका आंख दिखा रहा था, बोल रहा था बेटा अगर तुमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया ना भारत, खैर नहीं तुम्हारी, सबको ताक पे रख के इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अटल बिहारी वाजपेयी पे आज हम बात करने वाले हैं, दो पार्ट में लेक्चर आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जानने वाले हैं सबसे बड़ी बात कारगिल वॉर, न्यूक्लियर टेस्ट, किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, 1990s का एरा, इमरजेंसी, इंडो पाक वॉर, ये एक एक चीज जानेंगे और डेफिनेटली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की भी एक झलक देखेंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी लेक्चर्स ऑलरेडी किए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे, सबसे पहले इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन पे मैंने लेक्चर बनाया, फिर इंदिरा गांधी थी उन पे भी मैंने लेक्चर बनाया है, ठीक है, और अब अटल बिहारी वाजपेयी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि इंडिया की जो किंग्स की सीरीज है वो चालू करिए, वो बिल्कुल चालू है, उन पे भी लेक्चर आने ही वाला है, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम फुल ऑन फुल स्विंग पे वो चालू है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेके मेरे फेसबुक पेज से एजुकेशन कनेक्ट पे आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि स्टडी आईक्यू का पेन ड्राइव कोर्सेज पूरे फुल फ्लेजेड यूपीएससी आईएएस प्री प्लस मेंस के लिए हमने लॉन्च कर दिया है सिर्फ 22,500 रुपए में। क्यों आप खर्च करेंगे लाखों लाखों रुपए दिल्ली में कोचिंग करेंगे, अपना घर छोड़ के दिल्ली में जाएंगे, आराम से घर बैठ के तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, पूरी की पूरी स्टडी आईक्यू टीम आपके साथ है विद वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। कोई भी आपको डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव सेशंस हैं, खजाना है भैया आपके लिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, अवेल करिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। तो और एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी मॉनसून सेल स्टार्ट हो गई है, 50% का डिस्काउंट है हर एक कोर्सेज पे, 9 जुलाई तक ये अवेलेबल है, और कोई भी कोर्स आपको अवेल करना है तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, यूपीएससी, आरबीआई, बैंक, एसएससी, कोई भी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ बताना चाहूंगा, ये बीजेपी का सफर है अभी तक का क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं हम। आरएसएस 1925 में फाउंड हुई थी, ठीक है, किसने फाउंड की थी पहला सवाल कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद फिर आरएसएस पे बैन लगता है, नाथूराम गोडसे जो है वो महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं, फिर उसके बाद जनसंघ बनता है श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, पहले थे जिन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट से रिजाइन किया था, आरएसएस विचारक थे, और उसके बाद उनके लीडरशिप में जनसंघ आगे बढ़ता है, इमरजेंसी लगती है, जनता पार्टी फिर आती है, जेपी नारायणन का भयंकर मूवमेंट होता है, उसके बाद ग्रैंड कोलिशन बनता है जिसका नाम होता है जनता पार्टी, और 1980 में वो भी टूट जाता है, और 1980 के बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है। 1984 में जब इलेक्शंस होते हैं ना तो सिर्फ 2 सीटें मिली होती हैं उनको, उसके बाद फिर जब ये पार्टी आगे बढ़ती है फिर 85 सीटें, फिर 120, लेकिन जब 1996 का दौर आता है सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होती है। देखिए ये 1990 से लेकर जो एरा था ये पूरा का पूरा ये बड़ा अजीब एरा था, भारत में भयंकर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, किसी की स्थायी सरकार नहीं थी, कोलिशन का दौर था। लेक्चर शुरू होने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, कृपा करके प्लीज पॉलिटिसाइज ना करें इस लेक्चर को। एक चीज मैं बता दूं आपको बहुत ही अच्छे से, जो जितनी भी सरकारें हैं जितनी भी पार्टीज हैं ना
वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाती है अंटिल एंड अनलेस बहुत ही ज्यादा ईमानदार पार्टी ना आ जाए भयंकर रिफॉर्म लेके बाकी सब, क्योंकि जनता बेचारी बहुत नादान है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को थोड़ा सा पता नहीं होता है कि कैसे चीजें काम करती है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं और सब लोग आपसे यही बोलते हैं जितने भी एजुकेटर्स हैं, हमारा काम है आपको ये बताना कि नॉलेज इकट्ठा करिए, ज्ञान रखिए ताकि आप क्वेश्चन करना सीख सके, और जब आप सरकारों से सवाल पूछेंगे ना सरकारें काम करना शुरू कर देंगी। तो जो भी ये लेक्चर्स होते हैं बायोग्राफी होते हैं ये पर्सन ओरिएंटेड होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हर पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं कुछ खराब होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया मैं उनकी बायोग्राफी आपके सामने लेके आता हूं। इंदिरा गांधी का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री का भी रिव्यू है, जवाहरलाल नेहरू का भी रिव्यू है, वल्लभ भाई पटेल, सारे लीडर्स का रिव्यू है, ठीक है। तो ये चीज आपको बोलना चाहूंगा, फालतू के कमेंट्स मत करिएगा, वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होंगे। तो 1990s का जो एरा था ना ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। 1996 में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उतरी, क्योंकि पहले क्या था कि इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो गई थी, बाबरी मस्जिद केस हो गया था उसमें काफी दिक्कतें हुई थी, ठीक है, बहुत ही एक काला चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री पे। तो उसमें क्या हुआ था कि एक ऐसी छवि बन गई थी बीजेपी की बहुत ज्यादा कम्युनल है और कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, तो कोई भी पार्टी साथ देने को तैयार नहीं थी। वहां पे संकट मोचन बन के आए अटल बिहारी वाजपेयी, और जो 1996 में 13 दिन की खाली सरकार बनाई थी, इन सारी चीजों पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ी, हर एक चीज मैं समझाने वाला हूं पूरे के पूरे लेक्चर में। 13 दिन की मात्र सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि पार्टी का समर्थन ही उनको हासिल नहीं था, कौन समर्थन करता, ठीक है। और उसके बाद जब अगले आम चुनाव हुए 1998 में, तब 1996 में 4 पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, और 1998 में जब चुनाव हुए थे तब 13 पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था, तब जाके बीजेपी की सरकार बनी थी, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो अटल बिहारी वाजपेयी का था, इतने बढ़िया नेता थे वो, ठीक है। कोई हेटर्स नहीं मिलेंगे, हर पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज है, ये जर्नी है, आप देख लीजिए। वैसे इस समय तो बीजेपी की सरकार है, और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से संबंधित, सबसे पहले अर्ली लाइफ देखेंगे उनकी, उसके बाद किस तरह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी पूरा का पूरा 1990s का एरा। हालांकि बहुत ज्यादा तो हम नहीं समझा पाएंगे, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि खुद में ही ये बहुत बड़ा टॉपिक है। डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि मैं जरूर 1990s का जो डेकेड था उस पर एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा। उसके बाद किस तरह से ये लीडर बन गए, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको सपोर्ट किया, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने 1999 से लेके 2004 तक सकुशल सरकार बनाई चलाई। उसके बाद फाइनली रिटायरमेंट इनका 2009 के बाद, तो इस समय तो काफ़ी उनकी तबीयत खराब रहती है, और 2009 के स्ट्रोक के बाद तो वो बोलने में भी उनको काफ़ी दिक्कतें होती। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था, 25 दिसंबर 1924 में हुआ था भैया, और 1925 में ही आरएसएस की स्थापना भी हुई थी। कृष्णा देवी और कृष्णा बिहारी वाजपेयी क्या इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी भी पोएट थे, कवि थे, और इसीलिए भैया ये भी कवि रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि भैया जैसा घर का माहौल होता है उसी माहौल में जो बच्चे हैं वो ढल जाते हैं, ठीक है। शुरू से ही जबरदस्त नेशनलिस्ट है ये। देखिए एक चीज मैं और बता दूं आपको कि पेट्रियॉट और नेशनलिज्म में फर्क क्या होता है, वैसे मैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में समझा चुका हूं। हम अपने देश की बुराई सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बार बार पीछे ही चला जा रहा है, पेट्रियॉट की बात सुन के पीछे चला गया। हम अपने देश की बात सुनेंगे, बुराई सुनेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसको कहते हैं पेट्रियॉट। कुछ भी नहीं सुनेंगे, हमारे देश में कुछ भी गलत नहीं है, उसको कहते हैं नेशनलिज्म। और इस समय तो हाइपर नेशनलिज्म का दौर है, कभी भी अटल जी ने ये नहीं सोचा था। मैं दूसरी बार हाथ जोड़कर सरकार से विनती करता हूं कि जो लिंच मॉबिंग का कल्चर शुरू हो गया ना, उसको बंद कर दें। फेक मैसेज आता है, सर्कुलेट होता है, लोग आते मार के चले जाते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। और याद रखिएगा, जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको बोल रहे हैं ना, एक दिन वो आपके भी घर आएगा। कभी भी ऐसे मैसेजेस को आगे ना बढ़ाएं, फॉरवर्ड ना करें जिसमें बहुत ज्यादा नफरत हो, बिल्कुल भी डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि सब कुछ गलत होता है। मैक्सिमम चीजें 99% चीजें इन मैसेजेस में गलत होती हैं, बेकार में फैलाई जाती हैं, और ये कल्चर रुकना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आई एम श्योर कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, और आप भी बिल्कुल भी ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करिएगा। ऐसा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं सोचा होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है तो वो शुरू से ही आरएसएस से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, और आरएसएस ज्वाइन भी करते हैं। मिठाई खाने का इनको बहुत शौक होता है,
बहुत ज्यादा मिठाइयां खाते, मिठाई की दुकान पे खूब चाय की चुस्की मारते हुए, खूब ज्यादा ये पॉलिटिक्स डिस्कस करते हुए बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन फिर जो है वो जीवन आगे बढ़ता है कि पूरी की पूरी स्कूलिंग जो है सरस्वती शिशु मंदिर, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल, हिंदी मीडियम और एक ज्ञानवर्धक स्कूल था ये सरस्वती शिशु मंदिर, वहां पे होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये एमए की डिग्री लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में और वहां से फिर पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। 1939 में आरएसएस ज्वाइन करते हैं और 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट में ये हिस्सा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लेखक होते हैं, इसीलिए इनको काफी एडिटोरियल्स और काफी पेपर की कमान भी दी जाती है कि उसको तुम मैनेज करो और अच्छे से हमारे प्रोपेगेंडा और आइडियाज जो हैं उसको फैलाओ। तो बहुत ही अच्छे से ये उसको करने में सफल भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में विस्तारक की भूमिका इनको दी जाती है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया और पूरी की पूरी एक ब्रीफ हिस्ट्री मैंने अपने लेक्चर पार्टीशन ऑफ इंडिया में कवर की है। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर तो बोले थे कि भैया हमको सपोर्ट करो वर्ल्ड वॉर टू में, हम तुमको आज़ादी देंगे। गांधी जी एक बार ऑलरेडी धोखा खा चुके थे, बोले भाड़ में जाओ तुम, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, हालांकि वो फेल हुआ, सबको मार मार के ब्रिटिशर ने जेल में डाल दिया, ठीक है। बहुत सारे और भी रीजंस थे, वर्ल्ड वॉर टू में उस समय जापान काफ़ी उभर रहा था, तो प्रॉब्लम ये भी गांधी जी को लगी कि अगर हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो जाते हैं तो जापान इधर अटैक कर देगा, हम उनके गुलाम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। इसमें एक्टिव पार्ट लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी मूवमेंट वापस हो जाता है और उसके बाद फिर उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। आरएसएस को बैन कर दिया जाता है जैसे ही महात्मा गांधी की हत्या होती है, नाथुराम गोडसे उनको मार देते हैं, नाथुराम गोडसे आरएसएस के मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उसको बैन कर दिया जाता है। भारत को आज़ादी 1947 में मिल जाती है। 1951 के जो इलेक्शन होते हैं वो लैंडमार्क चुनाव होते हैं। 1951 में भारत में इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी तरह से जीत के आती है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो होते हैं गजब के एकेडमिशियन, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, रिजाइन कर देते हैं। जो नीति कांग्रेस की होती है वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है और वहां से जनसंघ की स्टार्ट हो जाती है। उस समय स्टेनो रहते हैं, स्टेनोग्राफर रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। अब वहां पे कश्मीर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए श्याम प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो अनशन पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और यहां से अटल बिहारी वाजपेयी का एक नया करियर स्टार्ट हो जाता है। 1958 में अटल बिहारी फिर चुनाव होते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी तीन जगह से लड़ते हैं, लखनऊ, मथुरा और बहरामपुर। लखनऊ, मथुरा में तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है, राजा महेंद्र प्रताप से हार जाते हैं, लखनऊ में दूसरे नंबर पे आते हैं और बहरामपुर में वो जीत जाते हैं। तो यहां से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो जाती है, ये चीज थी। अब क्या है कि उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं, कांग्रेस उस समय जवाहरलाल नेहरू की भी 1964 में हत्या हो जाती, मतलब हत्या कह रहा हूँ, डेथ हो जाती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री पिक्चर में आते हैं, वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एक भयंकर तरीके से क्रिएट हो जाती है। इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाता है जनसंघ का 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी को। मेन चीज पे हम आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, इमरजेंसी पे। क्या आपको पता है अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगाती तो शायद बीजेपी का उदय भी नहीं होता? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद ऐसा गुस्सा फूटा है ना कि हालत खराब कर दी। हुआ क्या था कि जेपी मूवमेंट जो है वो ऑलरेडी स्पीड पकड़ चुका होता है बिहार में, वो भी गजब के एकेडमिशियन थे। जेपी मूवमेंट बिहार में जो करप्ट गवर्नमेंट होती है, जयप्रकाश नारायणन जिनको लोकनायक भी बोला जाता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर देते हैं, उसके बाद इमरजेंसी 1975 में लग जाती है। देखिए इमरजेंसी की, वैसे तो इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई ट्रुथ का मैंने रिव्यू किया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इमरजेंसी के कारण क्या थे, कारण क्या थे और क्यों लगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा। देखिए क्या है कि 1964 का जो एरा था वो भयंकर अनस्टेबल था, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, इंडो चाइना वॉर हो चुका था, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मुरारजी देसाई यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद मुरारजी देसाई बोलते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। क्या है कि मुरारजी देसाई को सत्ता की बड़ी लालच थी, उनको देश से कोई लेना देना नहीं था, वो चाहते थे मुझे सीट मिले, मुझे सत्ता मिले, तो इसलिए मुरारजी देसाई चाहते थे, ये चीज भांप ली थी। किंग मेकर ऑफ पॉलिटिक्स जिसको बोला जाता है, के कामराज भारत रत्न मिला था, ठीक है, उस समय चीफ मिनिस्टर थे ये मद्रास के, ठीक है,
तो ये चीज इन्होंने भाप ली थी। के कामराज ने बोला नहीं, और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया, कामराज प्लान जिसको बोला जाता है, और इस प्लान की बात मैंने इंदिरा गांधी के भी लेक्चर में भी की है और लाल बहादुर शास्त्री का भी जो रिव्यू किया है उसमें भी मैंने किया, जरूर देखिएगा उसको। उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट किया और फाइनली लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई, ठीक है, ताशकेंट एग्रीमेंट साइन करते ही उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अब खैर वो तो मिस्ट्री है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम थी, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, मोरारजी देसाई को वो मिल गया जो वो चाहते थे। इंदिरा गांधी इंटरेस्टेड नहीं थी पॉलिटिक्स में बिल्कुल आने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने ही उनको बोला था कि भैया आओ आप पॉलिटिक्स में आइए और कुछ करिए, ठीक है। तो वो उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन एक बार पॉलिटिक्स में आके भयंकर एक्टिव हो गई। एक चीज और बता दूं, अगर कोई वाकई किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी लीडर ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, तो वो एक ही है, उनका नाम है इंदिरा गांधी। बाकी जितनी भी बातें हो जाएं, हो हल्ला हो जाएं, चीख पुकार मच जाए, ये बात सच है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और ऐसा घाव दिया है ना कि हालत खराब कर दी थी। 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था और किस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, 3 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने रिट्रीट किया था, 16 दिसंबर ने पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो वही एक ऐसी लीडर है जिसने पाकिस्तान को बहुत कायदे से मजा चखाया है, ठीक है। बाकी कुछ भी बातें हो जाए, है ना, ये बात सच है और पढ़ लीजिएगा, ये मैंने हिस्ट्री कहती है, ठीक है। अब क्या है, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कारगिल वॉर जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया था वो भी सराहनीय है। कारगिल वॉर की भी हम बात करेंगे, हीरोज ऑफ द कारगिल पे मैं बहुत जल्द लेक्चर लेके आऊंगा, उसको मैंने वैसे 15 अगस्त के लिए बचा के रखा है, ठीक है। तो उस पर भी लेक्चर आएगा, किस तरह से कारगिल वॉर के हीरोज ने अपना शौर्य दिखाना, हमारी सेना ने शौर्य दिखाया था और सारे के सारे जो टेरिटरीज, जो भी हिल पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की थे, वो हमने छीना था। तो जो उस समय क्या हुआ था, तो हाँ, तो अब हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो जेपी मूवमेंट लॉन्च होता है, इमरजेंसी लगा देती है इंदिरा गांधी, डेफिनेटली ये डेमोक्रेसी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, कौन कौन सी इमरजेंसीज होती हैं, कौन कौन से आर्टिकल के तहत आती हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इससे पहले एक और चीज़ होती है, इतनी भयानक कांग्रेस में इनस्टेबिलिटी होती है कि कांग्रेस जो है ना वो दो में स्प्लिट हो जाती है, एक कांग्रेस आर और एक कांग्रेस ओ। ये माइनॉरिटी में होती है और इसकी लीडर होती है इंदिरा गांधी, और इसके लीडर जो कि बाद में ऑलरेडी मर्ज हो गई थी जनसंघ के साथ, मतलब जनता पार्टी के साथ, जो कि अल्टीमेटली इमरजेंसी के बाद पावर में आई थी उसके साथ, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी इमरजेंसी का यह भी एक कारण होता है कि भयंकर तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, हालांकि बाद में इंदिरा गांधी बोलती हैं कि बहुत हमने काम किया, उसमें डेवलपमेंट किया है, लेकिन खैर ये तो बहुत गलत था जो इमरजेंसी लगी। 2 साल के लिए लगती है, 1977 में खत्म होती है, चुनाव होते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है कि 110% इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बिल्कुल गिर जाती है और जनता पार्टी का उदय होता है, ग्रैंड कोएलिशन बनता है सारी पार्टीज को मिला के, और इमरजेंसी के दौरान सारे नेताओं को जेल में डाला जाता है क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, फेडरल यूनिटरी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब जनता पार्टी आ तो गई, मोरारजी देसाई पीएम बन तो गए, उनको सत्ता मिल तो गई, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर ही शुरू होगी भैया। कैसे? क्योंकि जनता पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे पीएम के, आपस में ही लड़ मर गए, पार्टी स्प्लिट हो गई, चौधरी चरण दास या फिर जगजीवन राम या फिर मोरारजी देसाई किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, इसी के चक्कर में पूरी की पूरी स्प्लिट हुई। 1980 में पूरी की पूरी पार्टी कोलैप्स कर जाती है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ये 1980 की बात है। अब उसके बाद जनसंघ को भगा दिया जाता है कि जनसंघ को तो बिल्कुल अलग कर दो, वहां से फिर भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है और बीजेपी आती है। जब जनता पार्टी पावर में थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, और ये पहले थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी का इस्तेमाल किया था, और एलके आडवाणी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई थी, ठीक है। वैसे तो एक चीज बता दूं कि जो संघ था, आरएसएस था, वो आडवाणी के ज्यादा फेवर में था, वो ये चाहते थे कि आडवाणी पीएम बने, लेकिन आडवाणी ने खुद ही 1996 में शिवाजी दादर पार्क में एक रैली के दौरान, एक लेक्चर मतलब एक स्पीच के दौरान आखिरी में यह बोल दिया था कि जो चेहरा होगा पार्टी का
वो अटल जी होंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी खुद सुन के ये भौचक्के रह गए थे कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर आडवाणी से पूछा कि ये आपने क्या बोल दिया, तब आडवाणी जी बोलते हैं कि अगर मैं आपसे ये पूछ रहा तो आप कभी मानते नहीं इस बात के लिए। तो ये चीज़ थी। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, कम बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे अगर 1950 से लेकर 2000 तक की बात करें, और हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि वो एक अलग ही हिस्ट्री है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन आपको समरी मिल जाए। अब वाजपेयी साहब जो हैं वो एक बहुत बेहतरीन अपने आप को पॉलिटिकल लीडर इस्टेब्लिश कर चुके थे, घर घर में उनका नाम होने लगा था। पूरी की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई 1980 में। 1984 में फिर चुनाव हुए, केवल दो सीटें मिली बीजेपी को, कोई ना कोई चाहिए ठीकड़ा फोड़ने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी पे फोड़ दो ठीकड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी पे पूरा का पूरा ठीकड़ा फोड़ा जाता है, तुम्हारी वजह से हारे हम, हटा दिया जाता है प्रेसिडेंटशिप से, अध्यक्ष हट जाते हैं, एल के आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी को लाया जाता है, वो प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या होता है 1991 के जो इलेक्शंस होते हैं। देखिए 1991 में सबसे बड़ी चीज ये होती है, मतलब 1980s के एरा में, कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब एक रेस शुरू हो जाती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कि कौन अपने आप को ज्यादा बड़ा राम भक्त साबित करेगा। बीजेपी उसमें सफल हो जाती है। और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 का वो सबसे काला दिन, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट था। कल्याण सिंह की उस समय गवर्नमेंट थी, यूपी में, उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था। तो फिर बीजेपी की एक ऐसी इमेज बन जाती है कि ये तो कम्युनल पार्टी है, ठीक है। हालांकि 1991 में उनको 85 सीटें मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, ये कम्युनल पार्टी है, इसको हमको कुछ कोई सपोर्ट नहीं देना है। इसी के कारण 1996 जनरल इलेक्शन में जब बीजेपी जीत के आती है, बीजेपी के पास सबसे बड़ी पार्टी होती है, और यहीं पे ही ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि अब की बारी अटल बिहारी, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी अनाउंस हो जाती है। 1996 में सबसे बड़ी पार्टी होती है, 161 सीट्स लेकर आती है, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है बीजेपी को। बीजेपी को खुद भी पता होता है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार बनाते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं शंकर दयाल शर्मा, बोलते हैं किसको न्योता दूं, बीजेपी को बुला लेते हैं कि चलो सरकार बनाने का दावा पेश करो। आग बबूला हो जाते हैं सब कि ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी पता होता है इम्पॉसिबल टास्क है, हमारी सरकार गिरनी है। 13 दिन के समय है उनको दिया जाता है कि आप 13 दिन का समय है, 2 हफ्ते का, आप अगर मेजॉरिटी ले आते हैं तो आपकी सरकार बन जाएगी। ये इम्पॉसिबल टास्क था, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी पता था सरकार गिरी जाएगी। 13 दिन तक ही इनकी सरकार चली थी 1996 में, और 13 दिन बाद वो गिर गई थी। और वो ऐतिहासिक भाषण याद है ना अटल बिहारी वाजपेयी का, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र नहीं बिगड़ना चाहिए। बहुत बेहतरीन लेक्चर था ये, लोकसभा में जो स्पीच दी थी 1.5 घंटे की, जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और ये पहला टाइम था जब लोकसभा में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था स्पीच का, उसकी वजह से वाजपेयी का कद और ज्यादा बढ़ गया। अब जब 1996 में प्रॉब्लम शुरू हुई तो एक बहुत जबरदस्त चीज होती है, पता है क्या, कांग्रेस का क्या था कि कांग्रेस जो है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा, आई नो थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा है, बट प्लीज थोड़ी देर मुझे 1-2 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। तो क्या हुआ था कि कांग्रेस जो थी ना, वो क्या करती थी, पार्टीज को सपोर्ट करती थी और बीच में सपोर्ट खींच लेती थी, पार्टी गिर जाती थी, ऐसा होता था। क्योंकि भाई मेजोरिटी किसी के पास नहीं थी, इंदिरा गांधी की सरकार के बाद प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, अनस्टेबिलिटी थी। 1996 में जब ये 2 साल का वैक्यूम आया था, हालांकि 2 साल में फिर यूनाइटेड फ्रंट बना था, थर्ड फ्रंट बेसिकली वो था, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के सारी की सारी पार्टीज एकजुट हो गई थी, मतलब बीजेपी को छोड़ के सारी की सारी पार्टीज एकजुट हो गई थी। कांग्रेस का पीछे से बैक एंड से सपोर्ट था, HD देवेगौड़ा की बलि दी गई, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इससे पहले VP सिंह से बात की गई, VP सिंह का किस्सा बड़ा बढ़िया है, VP सिंह ने बहुत देर तक वेट कराया। क्या था, यूनाइटेड फ्रंट के लोग बात करने गए कि VP सिंह से कि आप प्राइम मिनिस्टर हो जाइए। VP सिंह दिल्ली में बैठे हुए थे, ठीक है, घर पे बुलाते हैं, बोलते हैं चाय पियो, उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं, बहुत देर तक वापस नहीं लौटते, फिर फोन करके बोलते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है।
तो स्टोरी है, वैसे तो लंबी स्टोरी है, मैंने शॉर्ट में बताई है। तो वीपी सिंह इंटरेस्टेड नहीं, एचडी देवेगौड़ा की बलि दी जाती है। एचडी देव उस प्राइम मिनिस्टर होता है वो यूनाइटेड फ्रंट के 1996 से 1997 तक, लेकिन उसी वक्त क्या होता है, कांग्रेस समर्थन वापस ले लेती है। पहले देवेगौड़ा, फिर आई के गुजराल। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, कांग्रेस समर्थन वापस क्यों लेती है, एचडी देवेगौड़ा को हटा दिया जाता है, आई के गुजराल को राया जाता है। ये इन्हीं दो सालों में हो रहा है, क्योंकि 1996 से भाई बीजेपी को तो बहुमत मिली नहीं, 1998 में अगले इलेक्शन होने हैं, तो दो साल के लिए यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई थी, जिसमें सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे और दूसरे बने थे आई के गुजराल। ये बहुत ज्यादा बीच में फंसे हुए प्राइम मिनिस्टर थे। उसी वक्त कांग्रेस जो है अपना समर्थन वापस ले लेती है। अध्यक्ष होते हैं सीताराम केसरी, ना खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही, ठीक है, उनके बारे में पढ़िएगा, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे वो, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं। जस्टिस जैन की रिपोर्ट आती है कि जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी, तो उसमें AIDMK के लोग शामिल थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले लेती है, लेकिन ये इंटरिम रिपोर्ट थी, फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी, फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी थी, और फाइनल रिपोर्ट में ये प्रूव हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। तो डेफिनेटली कांग्रेस को बहुत पछतावा हुआ होगा। तो ये चीज थी। अब उसके बाद 1998 में जब इलेक्शन होते हैं, फिर बीजेपी जीतती है 181 सीटों के साथ, लेकिन इस बार 13 पार्टी सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से 13 पार्टीज उनको सपोर्ट करती हैं, और उन 13 पार्टीज के साथ मिलके, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी होती है, ममता दी तृणमूल कांग्रेस भी होती है, AIDMK भी होती है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर वो 13 महीने चलती है, फिर उस पार्टी को गिरा दिया जाता है, फिर समर्थन वापस ले लिया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बीजेपी के लिए जीत थी। क्यों जीत थी? क्योंकि जब बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी, ठीक है, 1996 में, तो खाली 4 पार्टीज ने सपोर्ट किया था, लेकिन 1998 में वो 13 हो गई थी। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक जीत थी ये बीजेपी के लिए। तो ये चीज होती है। अब आगे क्या होता है, किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी 1998 के बाद समर्थन सरकार बनाते, उसके बाद कैसे AIDMK समर्थन वापस लेती है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। मुझे मालूम है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम और ज्यादा अगले पार्ट में जानेंगे, कैसे उन्होंने 5 साल बेहतरीन 5 साल चलाए, और किस तरह से न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल वॉर किया, वो भी हम सारी चीजें देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। एक क्विक रिमाइंडर, हमारे UPSC का कोर्स सिर्फ 22,500 में, प्री प्लस मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, खजाना है आपके लिए, ये लॉन्च कर दिया है, जरूर अवेल करिए। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।